नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जेमिनी को हिंदी में किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कुछ उदाहरण लेकर आ जाए हैं। आपको जेमिनी को लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी से और ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना होता है और आज हम बिल्कुल शुद्ध जो देसी भाषा होती है उसमें हम लिखने वाले हैं। मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन पत्र लिख दीजिए। कंप्यूटर साइंस विषय के लिए। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है और अब हम जो है जेमिनी से पूछते हैं कि जेमिनी हमें क्या लिख कर देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस पद के लिए आवेदन, हमारा नाम, पता और मोबाइल नंबर, ईमेल, तारीख, महाविद्यालय का नाम, पता, विषय। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस पद के लिए आवेदन, माननीय महोदय, जो हम जिन प्राचार्य को संबोधित कर रहे हैं, मैं, मेरा नाम, आपके महाविद्यालय में प्रकाशित विज्ञापन संख्या। आपने देखा होगा जब पोस्ट निकलती हैं तो कोई विज्ञापन निकलता है न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट पर, उसमें विज्ञापन संख्या जो आती है कि अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के रिक्त पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, करती हूँ। अभी इसको नहीं पता है, आप करता हूँ, करती हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ में अपनी डिग्री की प्राप्त की है, यहाँ पर अपना डिग्री लिखना है। मेरे पास अनुभव, अगर आपके पास है तो अनुभव लिखना है। कौशल है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से अपडेट अगर आप हैं। छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके महाविद्यालय के उच्च मानकों से परिचित हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपके विश्वविद्यालय महाविद्यालय में एक मूल्यवान योगदान दे सकता हूँ। मैंने अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की है। आप मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाने पर कृपा करेंगे तो मैं आपकी आभारी रहूँगी, धन्यवाद। आप दोस्तों देख सकते हैं सिंपली तरीके से, और यहाँ पर भवदीय नाम, सिग्नेचर, संलग्न जो आप करने वाले हैं, और नोट में यहाँ लिखा है, ये बता रहे हैं आपको क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। AI जनरेटेड कंटेंट है, यह एक नमूना आवेदन पत्र है। आप अपनी जानकारी के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। अपने आवेदन पत्र को साफ और संक्षिप्त रखें। सभी आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियां संलग्न करना ना भूलें। आवेदन पत्र को सही पते पर भेजें। अतिरिक्त सुझाव भी दे रहे हैं आपको, अपने आवेदन पत्र में अपने कौशल और अनुभव को उजागर जरूर करें। महाविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें फिर आवेदन करें तो आप ज़्यादा बेहतर अपने आवेदन में लिख पाएंगे। दोस्तों बताने का मकसद सिर्फ यह है कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर शिक्षित लोगों की ये स्थिति है कि किसी भी आवेदन पत्र को, मेल को, लेटर को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और अब इस आसान तरीके से आप अपनी भाषाओं में, जैसे कि गूगल तो 100 भाषाओं को कवर करता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं और ये आपको प्रॉपर लिख के देगा। आप इसको बिल्कुल बदल सकते हैं। मान लीजिए ये आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया है, अब आप यहाँ पर सिंपली जाइए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र कंप्यूटर साइंस विषय के लिए, या हम यहाँ से चलिए विषय हटा देते हैं क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा ही है तो विषय की ज़रूरत नहीं है। अब हम एंटर करते हैं, देखते हैं जेमिनी आपको क्या लिख कर देंगे। कंप्यूटर पद के लिए आवेदन पत्र, वही आप नाम लिखेंगे, पूरा नाम, पता, तारीख, महाविद्यालय का नाम, पता, तारीख, विषय लिख दिया है,
माननीय, और ये देखिए आपको लिख के दे दिया है। आप जो है जिस भी विज्ञापन संख्या के तहत आ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको यहाँ पर लिखिए। अच्छे से लिख सकते हैं, मैं कंप्यूटर ऑपरेशन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से अपडेट हूँ। आपके महाविद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्सुक हूँ। और ये बड़ा ही कह सकते हैं कि शॉर्ट, कंसाइज और बहुत अच्छे तरीके से इसने एप्लीकेशन जो है दोस्तों लिखा है। आप मेल भी लिख सकते हैं, और जो भी मेल लिखना चाहते हैं आप उस मेल को यहाँ पर देखिए, हम आपको लिख के बता देते हैं। मुझे एक मेल अपने अधिकारी जी को लिखना है। मेडिकल लीव के लिए ये मैंने लिख दिया है दोस्तों। एंटर करते हैं। मेडिकल लीव के लिए मुझे एक मेल लिखना है अपने अधिकारी को। मेडिकल लीव के लिए अधिकारी जी का ईमेल, विषय लिख दिया है चिकित्सा अवकाश का अनुरोध। माननीय अधिकारी जी का नाम, नमस्ते, मैं, मेरा नाम, विभाग का नाम, विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि मैं तारीख से तारीख पर चिकित्सा कारणों के अवकाश लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मुझे बीमारी का नाम, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। मेरे पास डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है। मैं अपनी अनुपस्थिति के दौरान अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा रही हूँ, और मेरे सहयोगी का नाम मेरी अनुपस्थिति मेरे कार्यों को संभालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही टेक्निकल भी आप इसको कह सकते हैं, और गूगल को इतना पता है कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से इनकी एल्गोरिथम उसको देख रही है, बना रही है। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिप्लेसमेंट के बारे में लिखा है, ये बहुत ही कम सिस्टम बेस्ड चीज़ों को पता होता है, लेकिन अगर ये लिखा है विच मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको लिख दिया है। नीचे आपको कुछ नोट लिखे हैं, अन्य सुझाव लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और इस तौर पर आप जो है यहाँ पर, क्योंकि AI जनरेटेड है, तो कॉपी पेस्ट आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ तक कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप चलिए अपने वर्ड पर, जैसे ही आप वर्ड पर आ जाएंगे, वर्ड पर आने के बाद आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। और पेस्ट और सेट करने के बाद जो है आप ये देखिए, इस प्रकार से ये आपका आवेदन आ गया है, और आप यहाँ पर बस आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का सीधा सा तात्पर्य, मकसद ये है कि अगर इस तरीके से सभी लोग आवेदन और ईमेल्स ये सब लिखना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे, बहुत सही एप्लीकेशन हमारे पास आने लगेंगी, और कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना बेहतर हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा और एक्यूरेट लिखते हैं तो हर चीज़ का इंप्रेशन पड़ता है। और जेमिनी के ज़माने में, ChatGPT के ज़माने में, अब काफ़ी सारे ऐसे AI टूल्स हैं जो हर बड़ी से बड़ी कंपनी आपको दे रही है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसी विषय पर आज मैं हिंदी में ये पूरा वीडियो, हिंदी में आप कैसे मेल और आवेदन लिख सकते हैं, इस पर लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी के साथ साझा कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।